आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। संस्था बोयट्री मित्र मंडल के अभिषेक बोयट, नीलेश शेलू सैन ने बताया कि पिछले 19 वर्षों से रावण दहन का आयोजन 2 नंबर स्कूल ग्राउंड आरएनटी मार्ग पर किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष परंपरा को पूर्ण करते हुए दशहरा पर्व 26 अक्टूबर सोमवार को सादगी पूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। आयोजन में भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए रावण दहन के समय की सूचना भी नहीं दी गई थी। मौके पर उपस्थित जन समुदाय के लोग गोल घेरे बनाए गए थे। संस्था ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 20 फीट ऊंचा रावण बनाया था। संस्था द्वारा साहसिक निर्णय लेते हुए सादगी से आयोजन संपन्न करते हुए हर वर्ष की तरह किए जाने वाले सांस्कृतिक व मंचीय आयोजन भी निरस्त कर दिए गए थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलेश शेलू सैन ने बताया कि आयोजन में मुख्य रूप से युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी इशिता सेढ़ा, अजीत बोरासी एवं बोयत श्री मित्र मंडल के सदस्य एवं धर्म प्रेमी जनता उपस्थित थी। सफल आयोजन के लिए सभी ने अभिषेक बोयत को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में आभार नीलेश शेलू सैन ने माना। जैन साहब पीछे, जैन साहब विगत 19 वर्षों से बोयत श्री मित्र मंडल द्वारा सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किया जा रहा है आरएनटी मार्ग नंबर 2 स्कूल ग्राउंड पर। चूंकि कोविड महामारी कोरोना वायरस को चलते हुए इस वर्ष संस्था द्वारा एक साहसिक निर्णय लिया गया कि हम ना तो मंच लगाएंगे, ना कोई सांस्कृतिक आयोजन करेंगे, ना ही भीड़ इकट्ठी करेंगे। जो परिपाटी चली आ रही है उसका निर्वाह करने के लिए हमने 20 फीट का एक रावण बनाया है जिसका आज दहन करेंगे। वो भी हम बिल्कुल सादगी पूर्वक संस्था के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। उसके अलावा हमने ना कोई अभिनेता नेता किसी को ना बुलाया है। हम चाहते हैं कि आमजन का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये महामारी जो है भीड़ के कारण बढ़ती है, कहीं मास्क नहीं लगाने के कारण होती है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण होती है। तो संस्था द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है उसके तहत हमने सादगी पूर्वक आज दशहरा उत्सव मनाया। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है? हम लोगों ने आज सुबह से यहाँ पर 250 से 300 गोल घेरे बनाए हैं जिसमें हम जनता को खड़ा करने का बोलेंगे। चूंकि समय अभाव के कारण हमने समय की सूचना दी नहीं है कि हम कितनी बजे रावण दहन कर रहे हैं, और इस कारण से हम चाहते हैं कि कम लोग उपस्थित रहे और ये जो परिपाटी चली आ रही है दशहरा उत्सव की वो हम सादगी पूर्वक निभाएं। हर वर्ष अतिथि इसका दहन करते हैं, इस वर्ष कौन करने वाला है? इस वर्ष भी हमने एक हमारे यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी है इशिता सेढ़ा जी और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी लोग हैं उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अध्यक्ष अभिषेक बोयत जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं आज इंदौर में मौजूद हूं और मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, पूरे देश वासियों को आप सबके माध्यम से दशहरे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। ये न्याय पर जीत का पर्व है और आज फिर से इसको हमने बड़े हर्षोल्लास से बनाया है क्योंकि हमारी संस्कृति कहीं पर भी किसी भी कारणवश ढक ना पाए, हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को ये पता लग पाए किस तरीके से रावण ने अन्याय देश के राम जी के साथ किया उस टाइम सतयुग की अगर हम बात करें। और हम बात करें कि आज भी कुछ लोग अन्याय कर रहे हैं, उनका भी इसी तरीके से उनको भी दहन करना ज़रूरी है। और यह आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने भी 3 तारीख को दोबारा से दशहरा बनाने की ठान ली है। पूरे इंदौर वासियों को, प्रदेश वासियों को ढेर ढेर शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है
और इस पर्व के माध्यम से इस पूरे प्रदेश, इस देशवासी इसको खुशी का पर्व इसलिए मानते हैं क्योंकि ये असत्य की राह पे चलने वालों का ये अंत होता है, इससे ये प्रदर्शित होता है। और ढेरों ढेर शुभकामनाएं, जय जय श्री राम। देशवासियों को, इंदौर वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरीके से देश की जनता, प्रदेश की जनता सभी चीज़ों में इन बुरे लोगों का अंत करेगी और जनता बताएगी कि किस तरीके से इन लोगों का अंत कराया जाता है। और मन में जो आपके रावण बसा हुआ है, उस रावण को जलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आने वाले साल में उन सभी रावणों का दहन होने वाला है जो लोगों के, जो बड़े बड़े कुछ चंद लोगों के अंदर छिपा हुआ है।